हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर्स विस्तार में। तो ये सभी आपके क्वेश्चंस आईएएस, फिर चाहे आपका कोई स्टेट पीसीएस एग्जाम हो, उसके प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो अभी तक हम लोग 51 टेस्ट इस तरह के ख़त्म कर चुके हैं, ये आपका 52वां टेस्ट है। तो चलिए 52वें टेस्ट का पहला क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। रोज बोर्ड, सीसम, वन्य जीवों और वनस्पतियों की, संकटग्रस्त प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभी समय के परिशिष्ट एक में शामिल है। गलत है। भारतीय सीसम भारत की मूल प्रजाति है। यह IUCN की लाल सूची में संवेद्य श्रेणी में है। ये आपका सही है। क्वेश्चन नंबर एक में आपका एक कथन गलत है और दूसरा आपका सही है। जो आपका रोज वुड, जिसे सीसम कहते हैं, सिटीज के परिशिष्ट सेकंड में शामिल है। क्या है जो आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभी समय है, इसकी परिशिष्ट सेकंड में शामिल है। भारत ने वन्य जीवों और वनस्पतियों की संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभी समय की परिशिष्ट सेकंड से सीसम को हटाने का प्रस्ताव दिया है। तो इसमें आपका केवल दूसरा सही था। क्वेश्चन है हमारा दूसरा। निम्नलिखित में से कौन विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की एम पावर नीति का सर्वोत्तम वर्णन करता है? यह 6 लागत प्रभावी उपायों का एक समूह है जो राष्ट्र की तंबाकू की मांग को कम करने में सहायता करता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपका बी होगा। क्या होगा? बी ऑप्शन। क्वेश्चन है हमारा तीसरा। क्रिस्पर तकनीक के संबंध में संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्रिस्पर, यह जीनोम एडिटिंग में प्रयोग किया जाने वाला एक उपकरण है। सही है। Cas9 प्रोटीन एक एंजाइम है जो DNA को काटने के लिए आणविक कैंची के रूप में कार्य करता है। यह आपका सही है। इस तकनीक का उपयोग केवल फसलों में जीन एडिटिंग के लिए किया जा सकता है। यह आपका गलत। क्वेश्चन नंबर तीसरे में आपका 1-2 कथन सही है, तीसरा आपका गलत है। क्योंकि जो क्रिस्पर है, इसका उपयोग वंशानुगत नेत्र विकार जैसे अंधापन के इलाज के लिए किया जाता है। इसके संभावित अनुप्रयोगों में अनुवांशिक बीमारियों का इलाज करना, मनुष्य में बीमारियों की रोकथाम और उनका उपचार करना और तथा फसलों में सुधार करना आदि शामिल है। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही था। 1 और 2 कथन सही था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चंस 4 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। एक्यूट तीव्र इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण होता है। बिल्कुल गलत है। तेज बुखार और मस्तिष्क में सूजन इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम रोग के लक्षण है। सही है। छोटे बच्चों में इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम के कारण कम रक्त शर्करा मृत्यु का एक प्रमुख कारण है। सही है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपका 2 और 3 कथन सही है, एक कथन इसमें गलत है। एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम एक व्यापक शब्द है जिसमें कई संक्रमित शामिल हैं और यह छोटे बच्चों को प्रभावित करता है। यह सिंड्रोम विषाणु, वायरस, जीवाणु, बैक्टीरिया
या कवक के कारण हो सकता है। भारत में इसका प्रमुख कारण जापानी इंसेफ्लाइटिस नामक वायरस है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका 2 और 3 का कथन सही था, यानी कि सी ऑप्शन सही था। बात करते हैं 5वें क्वेश्चन। रक्ताप ग्रीवा युक्त हॉर्नबिल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। यह भारत के पूर्वी भागों में पाया जाता है। सही है। IUCN की लाल सूची में इसे संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। ये गलत है। क्या है इसमें? एक कथन सही है, दूसरा गलत है। याद रखें कि जो रक्ताप गीबा युक्त हॉर्नबिल है, इसे सिटीज की परिशिष्ट 1 और 2 में सूचीबद्ध किया गया है। यह एक शोभित प्रजाति है। भारत, चीन, थाईलैंड तथा भूटान में कई संरक्षित क्षेत्रों में पाई जाती है। इसे IUCN की लाल सूची में श्वेत श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा 6वां। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। स्थानांतरित कृषि और राज्य झूमे, ये आपका आंध्र प्रदेश गलत है। पोडू उत्तर पूर्व भारत, ये भी गलत है। कुरुवा ये झारखंड सही है। कोमान उड़ीसा, ये भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 6वां है जो, इसमें 3 और 4 सम्मिलित हैं, सही सम्मिलित हैं, और 1 और 2 गलत हैं। याद रखें कि स्थानांतरित कृषि एक आदिम जीवन निर्वाह कृषि है जो भूमि के छोटे भाग पर आदिम उपकरणों से खुदाई जैसे कुदाल और छड़ों और परिवार या सामुदायिक श्रम की सहायता से की जाती है। इस प्रकार की कृषि मानसून, मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता और फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरणीय स्थितियों की उपयुक्तता पर निर्भर करती है। इन प्रथाओं को विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। सुन लीजिए, असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड जैसे उत्तर पूर्वी राज्यों में इसे हम लोग झूम कृषि कहते हैं। मणिपुर में इसे पामलू कृषि कहते हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में दीपा कहते हैं इसे। मध्य प्रदेश में इसे बेवर या दहिया कहते हैं। आंध्र प्रदेश में इसे क्या कहते हैं? आंध्र प्रदेश में इसे पोडू या पेंडा कहते हैं। उड़ीसा में से पामा डाबी या कोमान या बरीगा कहते हैं। पश्चिमी घाट में से कुमारी कहते हैं। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वाले या बलटरी कहते हैं। हिमालय क्षेत्र में से खिल कहते हैं। झारखंड में कुरुआ कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका 3 और 4 सही सम्मिलित हो। बात करते हैं 7वें क्वेश्चन की। बोंडा जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बोंडा जनजाति के लोग केवल उड़ीसा के मलकानगिरी जिले में रहते हैं, गलत है। बोंडा जनजाति को विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के रूप में मान्यता प्राप्त है। सही है। ये समूह सतत स्थानांतरण कृषि करने के लिए जाने जाते हैं, ये भी आपका सही है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपके 2 और 3 कथन सही है, एक कथन आपका गलत है, क्योंकि जो आपकी बोंडा जनजाति है का अधिवास उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश राज्य के संधि स्थल के पास दक्षिण पश्चिम उड़ीसा के मलकानगिरी जिले के विभिन्न पहाड़ी क्षेत्रों में भी रहती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपका होगा बी ऑप्शन, क्योंकि 2 और 3 कथन इसमें सही था। बात करते हैं हम लोग 8वें क्वेश्चन। साहेल क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह दक्षिण में उष्णकटिबंधीय जीवों और उत्तर में रेगिस्तान के बीच का संक्रमण क्षेत्र है। सही है। यह पूर्व में लाल सागर से पश्चिम में अटलांटिक महासागर तक विस्तृत है, ये भी आपका सही है। मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए
इस क्षेत्र में ग्रेट ग्रीन बॉल पहल शुरू की गई थी। ये भी आपका सही है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपके तीनों कथन सही है। क्या है? तीनों कथन सही है, यानी कि डी ऑप्शन सही है। बात करते हैं हम लोग 9वें क्वेश्चन। क्षतिपूरक वनीकरण कोष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमें। यह भारत के संचित निधि के तहत प्रबंधित एक राष्ट्रीय कोष है। गलत है। इसका उपयोग वन प्रबंधन और संरक्षक क्षेत्रों से गांवों के पुनर्स्थापन के लिए किया जा सकता है। सही है। निधियों को केंद्र और राज्य के बीच समान आधार पर साझा किया जाता है। गलत है बिल्कुल। तो इसमें केवल आपका दूसरा कथन जो है एक सही है। 1 और 3 कथन गलत है। क्षतिपूरक वनीकरण CAF अधिनियम के अनुसार केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा भारत के लोक लेखा निधि के तहत राष्ट्रीय क्षतिपूर्ति वनीकरण कोष नामक एक विशेष कोष की स्थापना कर सकती है। इस राशि का उपयोग जल गहन क्षेत्र का उपचार, वन्यजीव प्रबंधन, सहायता प्राप्त प्राकृतिक संपोषण, वनों में लगने वाली आग की रोकथाम और उस पर नियंत्रण पाने की कार्रवाई, वन प्रबंधन और वनों में मृदा एवं आर्द्रता संरक्षण कार्य, वन्यजीव पर्यावास में सुधार, जैव विविधता और जैव संसाधनों का प्रबंधन, वानिकी में अनुसंधान और संरक्षित क्षेत्रों से गांव को नई जगह बसाने के लिए मानव वन्यजीव संघर्ष का समाधान, प्रशिक्षण एवं जागरूकता आदि के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। और जो आपका CAF का 90% भाग राज्यों को आवंटित किया जाता है, जबकि 10% जो भाग होता है कोष का वो केंद्र सरकार अपने पास रखती है। ठीक है। क्वेश्चन है हमारा 10। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कार्बन प्रच्छादन CO2 को वायुमंडल से निकालने और उसके भंडारण की प्रक्रिया है। सही है। मानवीय गतिविधियां प्राकृतिक सिंक की CO2 को संग्रहित करने की क्षमता को प्रभावित कर रही हैं। सही है। कार्बन प्रच्छादन से समुद्र का अम्लीय होता है, अम्लीकरण होता है। ये भी आपका सही है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपके सभी कथन सही हैं, यानी कि डी ऑप्शन सही है। जो आपका CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, सर्वाधिक उत्पादित ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है। क्वेश्चन है हमारा 11। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है ईटोजेनिक शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है? यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें उपचार से लाभ की तुलना में नुकसान अधिक होता है। इसे क्या कहते हैं? ईटोजेनिक। ईटोजेनिक वह स्थिति है जब किसी उपचार के कारण लाभ से अधिक नुकसान होता है। चूंकि ग्रीक में रेटरस शब्द का अर्थ होता है उपचार जनित या चिकित्सक जनित, ईटो जो इट्रोजेनेसिस स्वास्थ्य पेशेवरों के रूप में कार्य करने वाले अथवा स्वास्थ्य के लिए लाभकारी उत्पादों या सेवाओं को बढ़ावा देने वाले एक या एक से अधिक व्यक्तियों की गतिविधियों के कारण किसी व्यक्ति पर पड़ने वाला प्रभाव है जो उसके स्वास्थ्य संबंधी उद्देश्य को पूरा नहीं करता। तो 11 में डी है। क्वेश्चन है 12। ब्रिप प्रोजेक्ट के संबंध में संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह वैश्विक ऑनलाइन पायरेसी के शोधन की संभावना प्रस्तावित करता है। सही है। यह विश्व बौद्धिक संपदा अधिकार संगठन की एक परियोजना है। ये भी आपका सही है। याद रखिए जो ब्रिप है ये डेटाबेस परियोजना विश्व बौद्धिक संपदा अधिकार संगठन जिसे हम लोग विपो कहते हैं इसकी परियोजना है। यह परियोजना कॉपीराइट का उल्लंघन करने वाली वेबसाइटों की एक बेहद ब्लैक लिस्ट के संयोजन से वैश्विक स्तर पर ऑनलाइन पायरेसी को कम करने की संभावना प्रदान करती है। और जो आपकी विप्रो है, विपो एक संयुक्त राष्ट्र निकाय है। तो 12 में आपका
सी था, यानी कि दोनों कथन सही थे। क्वेश्चन है 13, मैगेल मैगेलेनिक बादल कहाँ से दिखाई देता है? दक्षिणी गोलार्ध से। क्वेश्चन मैगेलेनिक बादल दो अनियमित आकाश गंगाओं, बेहद मैगेलेनिक बादल और लघु मैगेलेनिक बादल से मिलकर बने होते हैं, जो प्रत्येक 1500 मिलियन वर्षों में एक बार मिल्की वे आकाशगंगा की ओर, प्रत्येक 900 मिलियन वर्षों में एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं। हाल ही में सेजिटेरिस और कैनिस मेजर डिवार्क गैलेक्सी की खोज के पहले तक 2 लाख प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित मिल्की वे की सबसे निकट ज्ञात आकाशगंगा थी। ठीक है, बात करते हैं 14वें क्वेश्चन की। संपीड़ित बायोगैस सीबीजी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सीबीजी में 90% से अधिक मेथेन गैस होती है, सही है। ऊष्मीय मान और अणु गुणधर्मों के संदर्भ में सीबीजी संपीड़ित प्राकृतिक गैस के समान है। इसके लिए इसका उपयोग एक हरित नवीकरणीय स्वचालित ईंधन के रूप में किया जाता है, सही है। गोवर्धन योजना के अंतर्गत पशुओं के गोबर और खेतों के ठोस अपशिष्ट पदार्थों को कंपोस्ट बायोगैस बायो सीएनजी में परिवर्तित किया जाता है, सही है। क्वेश्चन नंबर 14 में आपका तीनों कथन सही है, यानी कि डी ऑप्शन सही है। बात करते हैं हम लोग 15वें क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सी जैविक खेती की विशेषताएं हैं? कार्बनिक पदार्थों के स्तर को बनाए रखते हुए मृदा की जैविक गतिविधियों को प्रोत्साहित कर मिट्टी की दीर्घकालिक उर्वरता का संरक्षण, सही है। उर्वरकों का उपयोग करते हुए फसलों को प्रत्यक्ष पोषण तत्व प्रदान करना गलत है। फलीदार पौधों और जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के माध्यम से नाइट्रोजन में आत्मनिर्भरता, ये सही है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में आपका ए ऑप्शन सही है, 1 और 3 कथन सही है, दूसरा कथन आपका गलत है, क्योंकि दूसरे में सही होगा कि मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की क्रिया द्वारा पौधे को उपलब्ध कराए गए आघुलनशील पोषक स्रोतों का उपयोग करके अप्रत्यक्ष रूप से फसल पोषक तत्व प्रदान करता है। ठीक है, बात करते हैं हम लोग 16वें क्वेश्चन की। जल उपचार संयंत्र ऐसी तकनीक का उपयोग है करते हैं जो रंग गंध स्वाद के संदर्भ में निम्नलिखित में रासायनिक एवं जैविक रूप से सुरक्षित तथा आकर्षक दोनों हैं। जल शोधन और उपचार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी प्रचलित हैं? संधारितीय वी आयनीकरण सही है, ओजोनीकरण ये भी सही है, टेरापिल ये भी सही है, निस्यंदन ये भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपकी चारों विधि सही है, यानी कि डी ऑप्शन सही है। बात करते हैं 17वें क्वेश्चन की। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, क्या करना है, विचार करना है। भारत की पोषण चुनौतियों पर राष्ट्रीय परिषद की अध्यक्षता नीति आयोग के उपाध्यक्ष द्वारा की जाती है, सही है। पोषण अभियान का नोडल मंत्रालय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है, ये आपका गलत है। पोषण अभियान का कार्यान्वयन विश्व बैंक की सहायता से किया जा रहा है, सही है। तो इसमें आपका 1 और 3 सही है, दूसरा कथन गलत है। भारत सरकार द्वारा 8 मार्च 2018 को पोषण अभियान राष्ट्रीय पोषण मिशन शुरुआत की थी इसकी, ठीक है। और विश्व बैंक से प्राप्त 200 मिलियन डॉलर ऋण का उपयोग राष्ट्रीय पोषण मिशन को लागू करने के लिए किया जाएगा, ठीक है। पोषण अभियान का कार्यान्वयन महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा, याद रखना है,
महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा। तो इसमें आपका एक और तीन सही होगा, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है हमारा 18। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह क्षेत्र समावेशी विकास को प्रोत्साहित करता है, सही है। इसमें भारत की वैश्विक निर्यात को बढ़ावा देने की क्षमता है, सही है। अपनी पूंजी गहन प्रकृति के कारण इसे कड़ी वैश्विक वित्तीय स्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, ये आपका गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में आपका एक और दो सही है, तीसरा आपका गलत है। यह एक पूंजी गहन क्षेत्र नहीं है, अर्थात MSME की समृद्धि के लिए कम पूंजी की आवश्यकता होती है। इस क्षेत्र को चीन से आयातित सामान से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ एक मजबूत विनिर्माण आधार और श्रम संबंधी अनुपालन दायित्व कम है। ठीक है, तो इसमें आपका केवल दो, एक और दो सही था, तीसरा आपका गलत था, यानी कि बी ऑप्शन सही था। बात करते हैं 19वें क्वेश्चन। समाचारों में देखा गया पोवही शब्द किससे संबंधित है? तो ये आपका कृष्ण बीबन ब्लैक होल से। बात करते हैं हम लोग 20वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से पतंजलि द्वारा परिभाषित अष्टांग योग के अंग हैं? यम, नियम, धारणा, समाधि। चारों सही है, 20 में आपके चारों सही हैं। याद रखिए कि अष्टांग योग एक प्राचीन पांडुलिपि योग कुरुंता में वावन ऋषि द्वारा बताई गई योग की एक प्रणाली है। अष्टांग योग का शाब्दिक अर्थ होता है 8 अंगों वाला योग, जो कि पतंजलि ऋषि में योग सूत्र में बताया है। पतंजलि के अनुसार सार्वभौमिक सौ को प्रकट करने के लिए आंतरिक शुद्धि के मार्ग में निम्नलिखित 8 आध्यात्मिक अभ्यास शामिल है। यम, नैतिक संहिता। दूसरा है नियम, आत्मशुद्धि और अध्ययन। तीसरा है आसन, शारीरिक स्थिति। चौथा है आपका प्राणायाम, श्वास नियंत्रण। पांचवा है प्रत्याहार, इंद्रिय नियंत्रण। छठवा है आपका धारणा एकाग्रता। सातवां है ध्यान और आठवां है समाधि, सार्वभौमिक सत्ता में समाहित होना। तो 20 में आपका डी था। तो चलिए, ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। इसी तरह के क्वेश्चंस और भी हम लोग देखते रहेंगे, ठीक है।